अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो आज हम इसकी जो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे वो 3.3 एक्सरसाइज है, और 3.3 एक्सरसाइज के आज हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इधर से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इसका जो डिटरमिनेंट है वो -30 के इक्वल है। करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस x की जगह कोई एक ऐसा नंबर देता है कि जिसका डिटरमिनेंट ओपन करें तो -30 के इक्वल आए। तो हम सबसे पहले इधर से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो इसे हम एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम R1, इसके फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। Expand from R1, इसको हम लोग 1 से expand करेंगे। Expand from R1, इसको हम row 1 से expand करेंगे। तो row 1 को expand करेंगे तो first row का first number 3 है, तो इसे लिख लेंगे। अब जब इसे open करेंगे तो इस number के नीचे वाला काम खत्म और सामने वाले को खत्म, बाकी का नंबर प्लस 3x 30 माइनस 2, तो 30 में से
18, तो 6 आ गया, ये माइनस है तो प्लस माइनस को माइनस को इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड का आएगा तो डिवाइड होगा, तो जब 0 को डिवाइड करें तो 0 के को x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन फॉर्म ऑफ x, तो इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, ये x स्क्वायर है। अब हमें x से नंबर देखने हैं जो मल्टीप्लाई करें, तो आंसर माइनस 6 आता होगा, यानी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x का स्क्वायर आता होगा और सेंटर में माइनस x है, अगर इन्हें ऐड करें तो माइनस x आता होगा। तो वो कौन कौन से नंबर है, तो इधर वो ऐसे नंबर होंगे माइनस 3x और प्लस 2x, यानी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x का स्क्वायर आता है, ऐड करें तो माइनस x आता है और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से अगर हम देखें नंबर, इधर से हम x नॉर्मल निकाल सकते हैं, इधर से हम x नॉर्मल निकाल लेंगे, तो ये फिर आ जाएगा x x माइनस 3। अब ये जो नेक्स्ट दो नंबर है, इधर से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो प्लस टू कॉमन निकाल लेंगे, तो ये फिर आ जाएगा x माइनस 3, 2 3 का 6 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों नंबरों को 0 के ऊपर रखेंगे, फर्स्ट फैक्टर का इसे भी 0 के ऊपर और जो सेकंड फैक्टर है इसे भी 0 के ऊपर, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा जो नंबर है वो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर से जो x की वैल्यू मिलेगी वो माइनस 2 आ जाएगा और इधर से जो रिजल्ट मिलेगा जब इसे राइट साइड में लेकर आएंगे तो प्लस 3, तो यही x की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन यही था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x is equal to minus 2 and x is equal to 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 शो दैट इसमें 4/4 का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इसे हमने प्रूव कर लिया एक बार x plus 3 और x minus 1 का होल क्यूब, तो यानी इसे सॉल्व करना है और हमने ये आंसर देखा हुआ है, तो सॉल्यूशन हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके और इसे राइट हैंड पर लेकर आए, तो लेफ्ट हैंड साइड निकलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये 4/4 का डिटरमिनेंट है x 1 1 और 1 1 x 1 1 1 x और 1 1 1 1 x, ये ऐसे निकलेगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब ये राइट साइड में सबसे पहले नंबर आ रहा है x प्लस 3, तो हमने सबसे पहले ये ही नंबर बनाना है। अगर हम इसके सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम को इस फर्स्ट में ऐड करते हैं तो ये x प्लस 3 आ सकता है, इधर से हम इसके सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा फर्स्ट कॉलम x प्लस 3, इधर भी जब ऐड करेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, जब इन दो 1 + 1 + x + 3 ये भी x प्लस 3 आ जाएगा, ये भी x 3, यानी आप इसके सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम को फर्स्ट में ऐड करते हैं, आप इधर बाकी नंबर आ गया 1 x 1 और 1 1 1 x और 1, ये 1 1 और x, यानी किया क्या आपने सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम को इसमें ऐड कर दिया। अगर देखना चाहें फिर तो देखिए ये पहला कॉलम था x 1 1 और 1, हमने सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम को इसमें ऐड किया, ऐड करने का मतलब प्लस लिखेंगे, प्लस 1 और प्लस 1, यानी ये जो तीन कॉलम है इसे प्लस में ऐड करेंगे, उसके बाद प्लस x प्लस 1 प्लस 1, अगर इसे ऐड करेंगे तो इसे ऐड करना तो प्लस 1 प्लस x प्लस 1, इसी तरह ये ऐड करेंगे तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस x। अब ये देखेंगे ऐड करेंगे 1 2 3 3 बन गया x प्लस 3, तो पहला नंबर ये लिख दिया, इसी तरह इसे ऐड करेंगे 1 2 3 तो x प्लस 3 ये लिख दिया, इसी तरह 1 2 3 x प्लस 3 ये लिख दिया, इसी तरह 1 2 3 x प्लस 3 ये लिख दिया। अब ये इसका जो पहला कॉलम है इसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है,
तो इसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस नंबर को हम कॉमन निकालेंगे, टेकिंग कॉमन एक्स प्लस थ्री फ्रॉम सी वन, यानी इसके फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस थ्री शुरू में निकलेंगे। फिर अब जब कॉमन निकाला है, इधर भी वन बच गया, इधर भी वन, और इसी तरह भी वन 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 वन। तो इसके बाद वन एक्स वन 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 एक्स वन 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 एक्स, यानी फर्स्ट कॉलम में से हमने एक्स प्लस थ्री को कॉमन निकाल दिया। अब ये जो डिटर्मिनेंट है, ये फोर बाय फोर का डिटर्मिनेंट, तो फोर बाय फोर के डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट ओपन करना पॉसिबल है। तो इसलिए इसे हम पहले थ्री बाय थ्री में कन्वर्ट करेंगे। तो थ्री बाय थ्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो इसकी पहली रो है, जो फर्स्ट रो है, इसको हम सेकंड थर्ड और फोर्थ में से माइनस करेंगे। यानी सादा लफ्ज़ में ये है, इस बार के नीचे हमें इधर भी जीरो बनाना है, इधर भी जीरो बनाना है, इधर भी। तो फिर ये थ्री बाय थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसकी फर्स्ट रो को सेकंड थर्ड और फोर्थ में से माइनस करेंगे। इसे नेक्स्ट हम यही काम करना, अब इसे हम माइनस कर देंगे इसके सेकंड और थर्ड कॉलम से। तो आर टू माइनस आर वन वैसे करने, यानी एक्स प्लस थ्री लिख लिया। अब हमने इसके जो ऑपरेशन अप्लाई करना है, फर्स्ट रो को ऐसे लिखेंगे वन 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 और वन। अब इधर जीरो को होना था, ये सेकंड होगा आर टू माइनस आर वन। इधर लिखेंगे आर टू माइनस आर वन, यानी सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर दिया। तो वन माइनस वन, यानी सेकंड रो इसकी कौन सी है, वन एक्स वन वन, और फर्स्ट रो कौन सी है ये। तो इसे इसमें से माइनस करेंगे तो पहले नंबर में से पहले वन माइनस वन, तो वन माइनस वन करेंगे कैसे आ गया। फिर आर टू माइनस आर वन एक्स माइनस वन, तो इसके साथ एक्स माइनस वन आ गया। फिर वन माइनस वन माइनस वन, इधर माइनस वन आ गया। फिर वन माइनस वन तो वन माइनस वन, अब ये रिजल्ट आ जाएगा जीरो एक्स माइनस वन जीरो जीरो। यानी इसकी सेकंड रो ये बन जाएगी जब इसमें से आर टू माइनस आर वन करेंगे, ये आ जाएगा जीरो एक्स माइनस वन जीरो वन जीरो। अब इसी तरह हमने इधर जीरो बनाना है, ये थर्ड रो है आर थ्री माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन। तो थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस करेंगे, तो इसी तरह वन माइनस वन ये जीरो आ जाएगा। इसी तरह ये वन माइनस वन ये भी जीरो आ जाएगा, ये एक्स माइनस वन, और इसे नेक्स्ट है वन माइनस वन ये भी जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब ये इसकी फोर्थ वाली रो है, हम इधर जीरो बनाना चाहते हैं, तो आर फोर माइनस आर वन, आर फोर माइनस आर वन, तो आर फोर में से, तो आर फोर ये वन माइनस वन ये भी जीरो आ गया। इससे नेक्स्ट इसी तरह ये जीरो जीरो बनते हैं, और ये करेंगे तो एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन आ गया। अब ये थ्री बाय थ्री की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम सी वन, फर्स्ट कॉलम से इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड फ्रॉम सी वन, एक्सपेंड फ्रॉम आर वन, या सी वन से भी ओपन कर सकते हैं। तो सी वन से ओपन करेंगे, ये एक्स प्लस थ्री ऐसे ही आए जब फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नंबर वन लिखेंगे, तो इससे नीचे वाला कॉलम और ये सामने वाला रो होगा, तो इधर आ जाएगा एक्स माइनस वन जीरो जीरो जीरो, एक्स माइनस वन जीरो 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 और एक्स माइनस वन। इसे नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट माइनस फॉर्मूले का लिखा, दूसरा नंबर जीरो आ जाएगा,
इस एक्सरसाइज को और भी